दारू का, दारू का बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बहुत महंगा है, कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था, मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है, जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है, जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सो कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहाँ से पहचानूं? पहचानता भी नहीं। अरे दो फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 धर्म का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अब भी और इसी वक्त निकाल दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा। अच्छा तू एक बात बता, तूने मेरा कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हां तोड़ो, ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं, कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तभी 12 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार भंगा ठंडा गार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ, तुम्हारा शाल हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे सर का ताज हूँ। तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला महीना नहीं, 2 साल से यही राग अलाप रहे हो, अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गटर में फेंक दूंगा, समझे? चलो मैं अंदर जाके क्या करना है, तो ऊपर जाने का टाइम आ गया। अरे तुम कैसे लेके जा रही है? अरे भैया तुमको तो पीते हुए कभी नहीं देखा। अरे बेटा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दोस्त के गम में पी रहा हूँ। वो मर गया, मगर तू किस बात का है कि वो पहले क्यों नहीं मरा, इतना लेट क्यों मरा? धीरज रखो, धीरज। अरे क्या धीरज रखो, मुझे उसकी पत्नी की चिंता खाई जा रही है। वो जवान है, खूबसूरत है, अपनी खूबसूरत जवानी अकेले कैसे गुजारेगी? इसलिए मैं दारू पी पी कर अपने अंदर हिम्मत की लुढ़कती हुई बिल्डिंग को खड़ी कर रहा हूँ, हिलती जा रही है। मैं जाकर उसे कहूंगा, दुलारी मेरी प्यारी, अकेले जवानी की गाड़ी चलाना है बुहाल, मैं अगर इस गाड़ी में टायर बन के चिपक जाऊं तो कैसा रहेगा ख्याल? अंदर तुम बोले बेटा है, तो फिर लगे रहो। कौन बोला, कौन ये? मेरे को भी डोंग नो। मेरे को भी दे रे प्यारी, मेरे को भी दे रे, उधर जाके पियो भाई, मेरे को भी दे रे। अरे किधर है मेरी सारी जिंदगी लटकने में गुजर गई, तुमको मेरे मुंह की पड़ी हुई है। जैसे खिलाड़ी बिना नाम के, शराबी बिना जाम के, और मर्द बिना काम के बेकार हो जाता, वैसे मैं भी बेकार हो गया हूँ। घर में बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। अरे उठो बाहर तो जाओ। अरे क्या खाक बाहर जाऊँ, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग अंदर चले जाते हैं। अरे पर लोगों को बाहर जाके समझाओ कि तुम मरे नहीं जिंदा हो। समझाया था, आज एक आदमी को सुबह आधा घंटे तक समझाया, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? वो बहरा था। कमाल है तुम्हारा भी, दिल की बात कही भी तो एक बहरे से। मेरा क्या मालूम वो बहरा है, देखने में तो खाली अंधा दिखता था। क्या वो अंधा भी था? हाँ, बाद में पता चला वो लंगड़ा भी था। हे भगवान, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस घर में भूत रहता है तो वो तोप मार के इस घर को उड़ा देंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कहीं उधर से। अच्छा इस वक्त कौन होगा जी? मेरा क्या मालूम मेरे मरने के बाद इस घर में कौन कौन आता है।
क्या मतलब? जा, चलो जाके देखो। मैं कैसे देख सकता हूँ? क्यों? मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ हूँ? नाटक से तो थक गई हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन इधर आता है। क्या है, कान तक जबड़े खोलकर अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारे भी जबड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खुल जाएंगे। ये देखो। लेकिन ये किस बात के नोट हैं? ये जज्बात के नोट हैं। किस बात के नोट हैं? जज्बात की रानी, जज्बात। ये बात जज्बात क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलना क्या है? मेरी प्यारी दुलारी, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। इस पापी संसार में मर्द के बिना कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीने की राह बताने आया हूँ। देखो, मेरी कहानी पत्नी मर चुकी है, तुम्हारा बेवड़ा पति मर चुका है, मैं रंडवा हूँ और तुम विधवा। मेरे जीवन के खटारे का एक पहिया गायब है, तुम्हारा भी एक पहिया गायब है। क्यों ना हम दोनों अपने एक एक पहिए को मिलाकर एक नई गाड़ी बना ले। मर गया। क्या हुआ? ये इतना भारी पतीला किसने फेंक कर मारा? आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था दुलारी मेरी प्यारी, ये हो क्या रहा है? कोई पागल नौकर रखा है क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर खुश होकर मेरे घर के बर्तन उछल उछल रहे हैं। अच्छा, उछल उछल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ना? हाय, मैं कह रहा था मेरी दुलारी जान से या आपके घर के बर्तन है कि उड़नता स्त्रियां अमेरिका की? वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे ना? आज हाँ कहूंगा, कल आके कहूंगा, ये बर्तन मारते हैं। ऐसे उछलते बर्तन पहली बार। मैं कौन? दारुका। दारुका नहीं, दारुका तो मर चुका है। मैं ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तेरी पत्नी ने कहा दारुका भाई, भाई मेरे पति प्यारे को ऊपर लेकर आ, मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, उसको कहना मेरी तबीयत खराब है, मैं 40-50 साल बाद आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। नियत के साथ तबीयत भी खराब होगी तेरी। नहीं नहीं, नियत मेरी बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करने आया था? मैं तुम्हारी बहन को ये रुपए देने आया था, मतलब दुलारी बहन को ये रुपए देने आया था। किसको? दुलारी बहन को। फिर से बोल। दुलारी बहन। फिर से बोल। अरे भूल गई, दुलारी बहन। फिर से बोल। दुलारी बहन, ये रिश्ता याद रखना। अब ये कमबख्त सारी दुनिया को जाके बोलेगा कि इसने मेरा भूत अपनी आंखों से देखा है। पर तुम्हें उसके सामने ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने वो तुमसे ही झड़ रहा था। ये बात अगर कोई सीधा साधा आदमी देख ले तो उसमें भूत सवार हो जाएगा। तो क्या भूत पे भूत सवार नहीं होगा?